हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इन कुकिंग विद रेखा पहाड़िया। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ जन्माष्टमी स्पेशल मेवा पाक की बहुत ही शानदार रेसिपी। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो आइए बिना कोई देर के डिलीशियस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। मेवा पाक बनाने के लिए मैंने यहाँ पर सबसे पहले लिया है एक खोपरा, जिसे हम सूखा नारियल या फिर गोला भी बोलते हैं। अब हमें सबसे पहले इसे अच्छे से साफ कपड़े से साफ कर लेना है। उसके बाद हमें इसे बिना छीले कद्दूकस करना है। इस तरह से जो सबसे छोटे वाले जो छेद होते हैं उस मशीन के अंदर आपको कद्दूकस कर लेना है। उसके बाद मैंने यहाँ पर लिए हैं कुछ ड्राई फ्रूट्स आप अपने पसंद के अनुसार ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर लिए हैं कुछ बादाम, काजू, तरबूज के बीज, किशमिश और थोड़ी सी पिस्ता, और 2 चम्मच के करीब मैंने यहाँ पर लिया है खसखस के दाने, और 1 कटोरी मखाना और थोड़ा सा गोंद। इस रेसिपी में आप गोंद और मखाना ज़रूर से लीजिएगा, इससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है। ये देखिए, मैंने यहाँ पर खोपरे को भी कद्दूकस कर लिया है। आप चाहे तो यहाँ पर थोड़ी सी खोपरे की क्वांटिटी या फिर किसी भी ड्राई फ्रूट की क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई को गर्म होने के लिए रख दिया है। सबसे पहले हम इसमें थोड़ा सा घी गर्म होने के लिए रख देंगे। हमें सारे ड्राई फ्रूट्स को इसमें हल्का सा फ्राई करना है। अब सबसे पहले हम इसमें फ्राई करेंगे गोंद। आप सारा एक साथ फ्राई ना करें, वरना ये आपस में बहुत बुरी तरह से चिपक जाएगा और कुछ कच्चा रह जाएगा और कुछ सिक जाएगा। इसीलिए आप थोड़ा थोड़ा करके या फिर 2 बार करके आप इसके अंदर गोंद को फ्राई करें घी के अंदर। और घी जो है बहुत ज़्यादा खोलता हुआ नहीं होना चाहिए, घी नॉर्मली गर्म होना चाहिए, जिससे कि अंदर तक गोंद अच्छे से फ्राई हो जाएगा। अब मैं आपको एक तोड़कर बताती हूँ कि देखिए, आप देख सकते हैं हमारा गोंद कितने अच्छे से फ्राई हुआ है। आप भी इस तरह से एक तोड़कर चेक कर ले, हमारा गोंद बिल्कुल क्रिस्पी होना चाहिए। मैंने 2 बार करके सारे गोंद को फ्राई कर लिया है। अब हम फ्राई करेंगे मखाना। आप कोई भी ड्राई फ्रूट हो उसको हाई फ्लेम पर बिल्कुल भी फ्राई ना करें, लो टू मीडियम फ्लेम पर या फिर से फ्राई करें। और सबसे ज़्यादा फ्राई होने में टाइम मखाना को ही लगेगा, लगभग 4 से 5 मिनट। बाकी सब ड्राई फ्रूट्स 1-2 मिनट में ही फ्राई हो जाएंगे। अब ये देखिए, आप इसे 1-2 बार चेक कर लें कि ये अच्छे से टूट रहा है या नहीं। ये देखिए, ये बहुत अच्छे से टूट रहा है, बिल्कुल क्रिस्पी हो गया है। जब तक ये क्रिस्पी ना हो तब तक आपको इसको बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पर अच्छे से रोस्ट करना है। घी ख़त्म हो जाए फिर भी ये बहुत अच्छे से रोस्ट हो जाएगा। अब घी ख़त्म हो गया इसलिए मैंने थोड़ा सा और इसमें घी डाला है। अब हम इसमें फ्राई करेंगे बादाम। आप कोई भी ड्राई फ्रूट आगे पीछे फ्राई कर सकते हैं, लेकिन एक एक करके ही आप इसके अंदर डालें। सारे ड्राई फ्रूट्स को मिक्स करके फ्राई ना करें, क्योंकि सारे ड्राई फ्रूट आगे पीछे फ्राई होते हैं, जैसे कि काजू बहुत जल्दी फ्राई हो जाते हैं, बादाम में थोड़ा टाइम लगता है। अब इसमें फ्राई करेंगे काजू। मुश्किल से 1-2 मिनट ही लगेंगे आपको काजू बादाम फ्राई करने में, बहुत ही जल्दी फ्राई हो जाते हैं ये। और इसे भी आपको लो टू मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करना है। अब हम इसमें ऐड करेंगे या फिर फ्राई करेंगे ये किशमिश। आप जैसे घी के अंदर डालेंगे ये इस तरह से फूलने लगेगी, उसका कलर जो है वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा। आप चाहे तो यहाँ पर किशमिश की क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपने चॉइस के अकॉर्डिंग। बस आपको इस रेसिपी में खास ध्यान ये रखना है कि आप इसके अंदर गोंद और मखाना ज़रूर से लें, बाकी ड्राई फ्रूट्स आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। ये देखिए, मेरे सारे ड्राई फ्रूट्स लेती जा रही हूँ एक ही प्लेट के अंदर फ्राई करने के बाद। अब हम इसमें फ्राई करेंगे ये तरबूज के बीज या फिर खड़बूजे के बीज। मैंने यहाँ पर ये खड़बूजे के बीज लिए हैं। खड़बूजे के बीज फ्राई करते हुए थोड़ा सा ध्यान रखें, क्योंकि ये चटकते हैं, एकाएक आपके ऊपर भी आ सकते हैं उछल कर। जैसे ये थोड़े से फ्राई हो जाए, बस इसी के अंदर हम इसमें ऐड कर देंगे ये नारियल का बुरादा या फिर खोपरे का बुरादा। अब इसे भी मुश्किल से 2 से 3 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पर फ्राई करना है। जैसे ये फ्राई हो जाएगा इसके अंदर अच्छी सी खुशबू आने लगेगी, उसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। अब इसी के अंदर हम इसमें ऐड कर देंगे ये पोस्ता दाना या फिर खसखस, ये मैंने 2 चम्मच के करीब लिया है। देखिए, अब हम इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसे बहुत ज़्यादा नहीं पकाएंगे, वरना ये कड़वापन ले लेगा खोपरा। बस अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। अब इसे फटाफट से एक प्लेट के अंदर ट्रांसफ़र कर लेंगे। मैंने यहाँ पर एक बड़ी सी प्लेट ली है, उसके अंदर मैं ये सारा मिक्सचर जो है वो ट्रांसफ़र कर रही हूँ। ये देखिए, ये सारे ड्राई फ्रूट जो अभी हमने फ्राई करके रखे थे घी के अंदर, अब हम इन सारे ड्राई फ्रूट्स को एक एक करके बारी बारी से आपको इनको क्रश करना है। इसको पीसना नहीं है, आप इस तरह से कोई भी प्लास्टिक की पॉलीथीन ले सकते हैं, साफ प्लास्टिक की पॉलीथीन ले लें, और प्लास्टिक की पॉलीथीन के अंदर आप एक एक ड्राई फ्रूट्स को डालते जाएं और बेलन से इसको हल्का हल्का सा तोड़ लें। बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करना है, बिल्कुल छोटा छोटा सा टुकड़ों में तोड़ना है बस। आप चाहे तो इस तरह से इमामदस्ता भी ले सकते हैं, जैसे कि मैं ले रही हूँ, जो भी आपको सूटेबल लगे।
मैंने यहाँ पर सबसे पहले काजू लिए हैं। अब हल्का हल्का सा हमें हल्के हाथ से इसको कूटना है, क्योंकि हमें इसका पेस्ट नहीं बनाना है, सिर्फ इसको बिल्कुल बारीक बारीक टुकड़ों में तोड़ना है। आप चाहे तो एक काम बेलन की मदद से भी कर सकते हैं, पॉलीथीन के अंदर डालकर ड्राई फ्रूट्स को। ये देखिए, हमने जो मिक्सर अभी एक प्लेट में निकाल कर रखा है, बड़ी सी प्लेट में, बस इसी के अंदर हम सारे ड्राई फ्रूट्स को क्रश करते हुए जाएंगे और उसके अंदर डालते जाएंगे। अब किशमिश को हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, किशमिश हम डायरेक्टली उस मिक्सर के अंदर ऐड कर देंगे। अब मैं यहाँ पर ले रही हूँ बादाम। बादाम को भी हमें सेम तरीके से बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना है। बस बादाम में हमें थोड़ा सा प्रेशर ज़्यादा लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा जोर से कूटना पड़ेगा, क्योंकि बादाम थोड़ी हार्ड होती है काजू के कंपैरिजन में। इसलिए देखिए, अब बादाम को भी हम इसी तरह से इस मिक्सर के अंदर डाल देंगे जैसे हमने काजू को डाला था। अब मखाने हमें दो बार करके या फिर तीन बार करके थोड़ा थोड़ा करके हमें कूटना पड़ेगा, क्योंकि मखाने बहुत ज़्यादा उछल कूद करते हैं। ये देखिए, मखाने का भी हमें फाइन पाउडर नहीं बनाना है। बहुत ही आसानी से, बहुत ही हल्के से मखाने जो है टूट जाते हैं, क्योंकि ये भी बहुत ही क्रिस्पी हो चुके हैं। और गोंद को आपको बिल्कुल न के बराबर ही कूटना है, क्योंकि हमें गोंद को और भी ज़्यादा मोटा रखना है बाकी ड्राई फ्रूट्स के कंपैरिजन में, या फिर बाकी ड्राई फ्रूट्स जितना भी आप इसे रख सकते हैं। ये देखिए, क्योंकि जब ये मिठाई के अंदर मुंह में आएगा क्रिस्पीनेस इसकी गोंद की, तो ये बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगेगी ये मिठाई। ये देखिए, मैंने सारे ड्राई फ्रूट्स को इस परात के अंदर डाल दिया है। अब हम एक बार इसे हल्का सा इस तरह से मिक्स कर लेंगे। अब ओवरऑल जितना भी मिक्सर रेडी हुआ है, इसको किसी भी एक बर्तन से अपन मेज़र कर लेंगे, इसे नाप लेंगे कि टोटल कितना मिक्सर हमारा रेडी हुआ है। हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें अब चाशनी बनानी है, और चाशनी कितनी बनानी है वो हमें इसी से पता चलेगा। अब एक कटोरी में इसके अंदर डाल चुकी हूँ, ये दूसरी कटोरी है। इसको हल्का सा प्रेस करें आप, या फिर थोड़ा सा ज़्यादा प्रेस करें, उसके बाद आप इसे नाप तोल करें इसका। ये देखिए, तीन कटोरी मिक्सर हमारा रेडी हुआ है। अब तीन कटोरी के हिसाब से हमें इसके बराबर आधी चीनी लेनी है। अब मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई ले ली है, उसके अंदर हम सेम कटोरी के नाप से डेढ़ कटोरी चीनी लेंगे, क्योंकि तीन कटोरी हमारा मिक्सर रेडी हुआ है। ये देखिए, डेढ़ कटोरी चीनी मैंने ले ली है, और जितनी चीनी लेते हैं उसका बराबर आधा आपको पानी लेना है। मैंने एक कटोरी से थोड़ा सा कम यहाँ पर पानी लिया है, क्योंकि हमने यहाँ पर चीनी डेढ़ कटोरी ली है, इसलिए हमें पौन कटोरी यहाँ पर पानी लगेगा। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप जितना मिक्सर लेते हैं उसका आधा आपको चीनी लेनी है। ओवरऑल मिक्सर को आप नाप लें एक बार किसी भी बर्तन से, उसके बाद उसका आधा चीनी और चीनी का आधा आपको पानी लेना है। अब हमें यहाँ पर एक तार की चाशनी बनानी है। अब इसको अच्छे से मेल्ट कर लेना है। मैंने इसके अंदर 2 से 3 इलायची का पाउडर डाल दिया है। इसे बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, ओवर कुक नहीं करना है। ये देखिए, सिर्फ एक तार की चाशनी बनानी है, जो कि आप देख सकते हैं कितनी अच्छी सी हमारी चाशनी बनकर रेडी हो गई है। अब जैसे आपकी चाशनी बन जाए, आप गैस का फ्लेम बिल्कुल लो कर दें, और बिल्कुल लो फ्लेम पर आप इसके अंदर ऐड कर दें ये सारा मिक्सचर जो अभी हमने बनाकर रेडी किया था। सारे मेवे हमने इसके अंदर मिक्स कर दिए हैं। अब हम इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी आपको ये थोड़ा सा गीला गीला लगेगा, और मुश्किल से 3 से 4 मिनट बाद आप देखेंगे कि मिक्सर जो है गाढ़ा हो जाएगा। आपको इसको 2-4 मिनट तक और पकाना है, जब तक कि ये कढ़ाई को छोड़ने ना लगे, या फिर ये जब तक जमने वाली कंसिस्टेंसी में आपको ना दिखाई दे, तब तक आपको इसको पकाना है। और मुश्किल से 4 मिनट हुए हैं, जमने वाली कंडीशन में आ गया है, और जिस प्लेट के अंदर, जिस ट्रे के अंदर आपको इसको जमाना है, उसे पहले आप फटाफट घी से ग्रीस कर लें। जब आपकी चाशनी बन रही हो, मैंने भी उसी टाइम पर इसे घी से ग्रीस कर लिया था। अब फटाफट से हम इस ट्रे के अंदर इस मिक्सर को निकाल लेंगे, और किसी भी स्पैचुला की मदद से या फिर कटोरी की मदद से आप इसे अच्छे से सेट कर लें। ये देखिए, अभी हमने जो पिस्ता ली थी, अब मैंने पिस्ता को फ्राई नहीं किया था, मैंने पिस्ता ऊपर से गार्निशिंग करने के लिए रखी थी, और अब हमने इसके अंदर पिस्ता नहीं डाली है। अब इस तरह से कटोरी को उल्टा करके घी से ग्रीस करके, और फटाफट जब ये मिक्सर गर्म हो उसी टाइम पर आप इसे प्रेस कर ले, वरना आपकी जो पिस्ता है वो इसके ऊपर अच्छे से चिपक नहीं पाएगी और बिल्कुल बिखर बिखर के जाएगी, और वो अलग से मुंह में आएगी, जो कि अच्छी नहीं लगेगी। इसके ऊपर अगर आपको चिपकाना है अच्छी तरीके से, तो आप इसके ऊपर गर्मा गर्म ही चिपकाएं, और गर्म गर्म ही आप इसे सेट करने के बाद इस मिठाई को कट कर लें, क्योंकि ठंडी होने के बाद आप इसे काट नहीं पाएंगे। ये देखिए, मुश्किल से 15 मिनट बाद मैं आपको इसको निकाल कर बताती हूँ। ये देखिए, ये कितने अच्छे से सेट हो चुकी है सिर्फ 15 मिनट के अंदर ही, और अच्छा हुआ कि हमने इसको पहले ही काट लिया था। अगर आप इसको बाद में काटते हैं तो ये बिल्कुल कट नहीं पाएगी, और आपके पीसेस जो हैं, आपकी मिठाई जो है, वो बिल्कुल बिखर जाएगी।
ठंडी होने के बाद आप इसे नहीं काट सकते, आप आगे पीछे दोनों तरफ से देख सकते हैं आपकी मिठाई जो है कितनी स्वादिष्ट, कितनी अच्छी बनकर रेडी हुई है, बहुत ही शानदार बनकर तैयार होती है मेवा पाक की मिठाई। ये जन्माष्टमी पर खास तौर पर कृष्णा जी के लिए बनाई जाती है, जन्माष्टमी स्पेशल रेसिपी है। आई होप कि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। प्लीज़ आप इस जन्माष्टमी मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ज़रूर से ट्राई करें, और आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और मिक्सचर चीनी और पानी के रेशियो को ध्यान में रखते हुए मिठाई बनाइएगा, तभी आपकी मिठाई अच्छी बनेगी, वरना ये बिखर जाएगी। ये देखिए हमारी मिठाई कितने अच्छे से सेट हुई है। अब इसी तरह की अच्छी अच्छी और इजी रेसिपीज मैं आप लोगों के लिए लाती रहूँगी। बहुत जल्द मिलूंगी आपसे अगली रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।